अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे बारिश के मौसम में गर्मा गर्म लच्छेदार कचौरी। तो चलते फटाफट से स्टार्ट करते हैं बनाने के लिए। हमने एक कप मैदा ले लिए है, एक छोटी प्याली हमने मैदा ले लिए है। अब इसमें हम डाल देते हैं थोड़ी सी अजवाइन और कलौंजी। कचौरी के लिए अजवाइन और कलौंजी बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, तो इसे हम डाल देते हैं हल्का सा क्रश करके। अब इसमें हम डाल देते हैं तेल खस्ता करने के लिए कचौरी को, हल्का सा नमक, अच्छे से मिला लेते हैं इसे हम। तो अच्छे से हमने मिला लिए है मैदे को, हल्का हल्का पानी डालकर हम मैदे को अच्छे से गूंद लेते हैं। हम आटा गूंदते हैं बस उसी तरह गूंदेंगे, नॉर्मल आटा जैसा गूंदेंगे मैदे को। तो अच्छे से हमने डोर बना लिए है, अब इसे ढक्कन से कवर कर देते हैं 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के लिए इधर हमने डोर को रख दिया, तब तक चलते हैं कचौरी के लिए स्टफिंग बना लेते हैं। तो चलते फटाफट गैस की तरफ। गैस के ऊपर हमने पैन रख दिया, इसमें हम 1 टेबल स्पून तेल डाल देते हैं। अब इसमें हम डाल देते हैं 1 चुटकी जीरा और 1 चुटकी राई, 1 चुटकी सौंफ, इससे अच्छा फ्लेवर आएगा हमारे स्टफिंग में। 6-7 कड़ी पत्ते, 3 से 4 हरी मिर्च और 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा हमने लेकर खन्ने में कूट लिया था, ताकि इस अच्छा फ्लेवर आएगा, इसलिए हमने खन्ने में कूट कर डाल रहे हैं। 1 मिनट तक सोते कर लेते हैं। अब इसमें हम डाल देते हैं 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। हमने इसी, अगर आपको बनाना हो तो आप कम ज़्यादा कर सकते हो, इसलिए हमने 1/2 चम्मच, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। अब इसमें हम डाल देते 1 चुटकी गरम मसाला पाउडर और 1 चुटकी काली मरी जीरा का पाउडर। गरम मसाला इसलिए हमने डाला है कि अच्छा से एक फ्लेवर आ जाएगा हमारे। तो अच्छे से सभी को मिला लेते हैं और 10 सेकंड तक अच्छे से हम इसे भूज लेते हैं, यानी सोटे कर लेते हैं। फिर इसमें हम डाल देंगे उबले हुए आलू। आलू को हमने पहले से उबाल कर रख लिए थे। 10 सेकंड हो गए हमारे मसाले को सोटे करते हुए। अब इसमें हम डाल देते हैं उबले हुए आलू। अब इसमें हम डाल देते हैं स्वाद अनुसार नमक। अब इसमें हम डाल देते हैं कोथमीर। अच्छे से मिला देते हैं सभी को। 1 मिनट तक अच्छे से हम भूज लेते हैं मसाले को और आलू को। अच्छे से हमने मिला दिए हैं मसाले को और आलू को। अच्छे से आलू को मैश करिएगा कचौरी में, भरने के टाइम कचौरी फटे ना इस तरह आलू को मैश करिएगा। तो चलते फटाफट से हम गैस को ऑफ करते हैं और चलते हैं कचौरी को हम भर लेते हैं फटाफट से, लेते हैं हमारे मैदे को। तो अच्छे से सॉफ्ट हो गए हमारे मैदे, तो फटाफट से हम बेल लेते हैं। रोटी बनाते हैं बस उतना ही बड़ा हमें लेना है, ज़्यादा बड़ा नहीं लेना है। तो फटाफट से इसे हम बेल लेते हैं, हम आटे में डिप कर लेते हैं। इसे हम ज़्यादा बड़ा नहीं बेलेंगे, रोटी के साइज जितना बेलेंगे। तो चलते फटाफट से बेल लेते हैं। तो हमने रोटी के जितना इसे बेल लिया है, ज़्यादा मोटा भी नहीं है, ज़्यादा पतला भी नहीं है, अच्छे से हमने बेला है, एकदम बारीक सा बेला है मीडियम साइज़ में। तो अब इसमें हम लगा देते वेजिटेबल घी। अगर वेजिटेबल घी ना हो तो देसी घी भी लगा सकते हो आप, तेल भी लगा सकते हो, ज़रूरी नहीं है। हमारे पास वेजिटेबल घी है तो वो हम लगा दे रहे। अब इसके ऊपर हम आटा लगा देते मैदा। छन्नी से इसलिए लगाएंगे कि ताकि अच्छे से लगेगा, हाथ से भी आप लगा सकते हो, लेकिन हाथ से ऐसा है कि कहीं जाड़ा कहीं पतला हो जाएगा। तो एक जैसा हमें हर जगह इसमें लगाना है मैदे को, आटे को, तो इसलिए हमने छन्नी से लगा रहे, कहीं भी बाकी ना रहे इस तरह ना लगाइए, एक बराबर से लगाना चाहिए हमें, तभी हमारी इसमें लरी खुलेगी। अच्छे से हमने लगा दिया है इसे। अब इसको हम फोल्ड कर देते हैं। इस तरह फोल्ड करेंगे, करना हमें फोल्ड। अब इसके ऊपर भी हम घी लगा देते हैं, वेजिटेबल घी। अब इसके ऊपर कॉर्नफ्लावर भी डाल सकते हो, मैदा भी डाल सकते हो, मैं मैदा ही डाल रही हूँ। इसके ऊपर भी लगा देते हैं।
तो हमने इसके ऊपर भी लगा दिया। अब इसे हम इस तरह फोल्ड कर देते हैं। अच्छे से फोल्ड करिएगा तो इसे भी अच्छे से बेल लेते हैं। थोड़े से हम लंबा बेलेंगे, धीरे धीरे बेलिएगा इसे। इस तरह बेल लेते हैं, इस तरह भी बेलना है हमें, दोनों साइड से हमें बेलना है। अब इसके ऊपर भी हम घी लगा देते हैं और इसके ऊपर भी मैदा लगा देते हैं। आप इस तरह बनाओगे तो आपकी बहुत क्रंची बनेगी आपकी कचौरी। धीरे फोल्ड कर देते हैं गोल गोल राउंड में। अच्छे से फोल्ड हुआ है ये हमारा। अब इसे हम छुरी से नहीं काटेंगे या चाकू से, इसे हम धागा से काटेंगे ताकि अच्छे से हम कट जाएगा आसानी से। तो हमें धागा से नॉर्मल से कट जाएगा, एक बराबर कर लीजिएगा और इसे जोर से ऐसा खींच दीजिएगा, कितना अच्छा से कट जाएगा आप देख रहे होंगे। देख आपको मैं दिखा देती हूँ। धागा को फेंक देते हैं, साइड पे रख देते हैं। अभी इतने अच्छे से हमारा लच्छे वाले बन गए हैं कचौरी। तो अब इसे हम फटाफट से बेल लेते हैं, जितना हमें कचौरी बनाना है उतने ही अभी हम बनाएंगे। इधर के साइड से बेलना है, इधर से नहीं, क्योंकि आएंगे इस तरह दबा देंगे। थोड़ा सा आटा लगा के बेल लेते हैं। तो आप देख रहे हो कितने अच्छे से हमने बेल लिया, अभी भी इसके पर खुल रहे हैं। तो अब इसमें हम स्टफिंग डाल देते हैं। हमारी कचौरी जो साइज का है उतने ही कचौरी में आटा का स्टफिंग भरिएगा, नहीं तो फट जाएंगे। तो फटा तो इसमें हम साइड साइड में पानी लगा देते हैं, जिस तरह समोसे में लगाते हैं उस तरह, क्योंकि ये मैदा है तो पर खुलने का डर हो सकता है। तो इस तरह पानी लगा देंगे तो चिपक जाएंगे अच्छे से। फटाफट से इसे हम वाल लेते हैं। अब इस तरह फोल्ड करेंगे। तो इस तरह हम इसे थोड़ा सा आटा जो एक्स्ट्रा है वो निकाल लेंगे या यहीं पे साइड पे दबा देंगे, तो निकाल लेंगे तो बेहतर रहेगा। इसे निकाल देते हैं और इसे अच्छे से दबा देते हैं। तो अच्छे से हमारी कचौरी में हमने स्टफिंग भर दिए है। तो चलते फटाफट से इसी तरह हम सभी कचौरी को भर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे चार कचौरी बना लिए हैं, बाकी का बाद में बनाएंगे। तो चलते फटाफट से इसे हम फ्राई कर लेते हैं। अभी गैस के ऊपर हमने पहले से तेल को गर्म होने के लिए रख दिए थे, तो हमारा तेल गुनगुना हो गया। अब इसमें हम डाल देते हैं कचौरी। मीडियम आँच पर डालिएगा ताकि अच्छे से धीरे धीरे हमारे कचौरी नीचे से पके, नहीं तो अगर हाई फ्लेम पर आप रखोगे तो अंदर से कच्चे रह जाएंगे और ऊपर पक जाएंगे, इसलिए मीडियम आंच पर धीरे धीरे पकने दीजिएगा कचौरी को। तो सभी कचौरी को हमने डाल दिए है। इस तरह धीरे धीरे तेल ऊपर डालते रहिएगा ताकि हमारे कचौरी अच्छे से पड़े इसके निकले। आप देख रहे हो कितने अच्छे से पड़ हमारे पूरे कचौरी में निकल रहे। तो इस तरह तेल डालते रहिएगा। इसे हम पलट देते हैं। तो तैयार हो गई हमारी फूली फूली कचौरी बनकर। तो चलते फटाफट से इसे निकाल लेते हैं। तैयार हो गया हमारा गर्मा गर्म फूली फूली कचौरी। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। तो मैं तोड़कर बता देती हूँ कितना क्रंची और कितना खास्ता बना हमारा, एकदम खास्ता बना और लच्छेदार हमारा आलू कचौरी। तो उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी।